वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी कुक। आज हम लोग बनाएंगे हैदराबादी दही की कड़ी, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट के साथ बनाएंगे, थोड़ा इजी कर लेंगे रेसिपी को। ट्विस्ट ये है कि हम लोग दही के बदले में बटर मिल्क यूज़ करेंगे उसके लिए। चलिए देख लेते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं। बेसन भिगा लेंगे भजियों के लिए। ये 5 टेबल स्पून बेसन ली मैं। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1.5 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी है ये, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, एक छोटी प्याज बारीक काट ली, 1 पिंच खाने का सोडा और थोड़ी सी कोथमीर बारीक काट ली मैं। पानी है बेसन भिगाने के लिए 1/2 कप ली मैं, और ये ऑयल है फ्राइंग के लिए। देखिए भजियों के लिए बेसन की कंसिस्टेंसी ऐसी रहना। कड़ी के वास्ते क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये नमक है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बटर मिल्क में भी रहता नमक तो थोड़ा कम ही लीजिए, 4 से 5 हरी मिर्ची पीस ली मैं ये, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है ये, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 4 से 5 करिया पाक के काढ़ी ले ली और 1 छोटी प्याज काट ली, इसे खड़ा काट ली। ये बेसन है पानी में घोल लेके रखी मैं, 1/2 कप पानी, 1 लीटर बटर मिल्क है ये। तो बात कुछ ऐसा दिखता, पूरा मिक्स पूरी चीज़ें डाल लेके मिक्स कर ली मैं। तब इसको पका लेंगे अब हम। हमारी कड़ी पकना शुरू हो गई, इसमें से सिर्फ बेसन की बो चले जाना और थोड़ी प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाना और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रहना। और मैं दूसरे चूल्हे पे तेल गरम करने रख दी भजिया फ्राई करने के लिए। भजियों को अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है, मैं आपको बताती हूँ कैसा। ये भजिया हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए, देखिए ये कलर के रहना भजिया। हम लोग भजिया ठंडे होने के बाद कड़ी में डालेंगे, गरम डाले तो भजिया टूट जाते हैं। फिर इसमें बघार डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा डाली मैं, 1/2 चम्मच राई, टी स्पून सूखी लाल मिर्च और 1 लहसुन, और ये बघार थोड़ा ठंडा होने के बाद आएंगे। हमारी हैदराबादी दही की कड़ी रेडी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।